नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर करें ये उपाय, हर संकट से होगी मुक्ति। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व सोमवार को आने से विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन किए गए ज्योतिष के उपायों से बड़ी समस्या भी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी तथा धन का लाभ होगा। शिव पुराण के उपाय, जिन्हें शिवरात्रि पर करने से आप सभी समस्याओं से पार पा जाएंगे, इन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पहला, बैल को भगवान शिव का वाहन नंदी कहकर पूजा जाता है, अतः महाशिवरात्रि के दिन कम से कम किसी एक गाय, बैल अथवा सांड को हरा चारा, गुड़ आदि अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपके ऊपर आया बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। दूसरा, महाशिवरात्रि के दिन रात 9 बजे के बाद किसी निर्जन स्थान पर बने हुए शिव मंदिर में जाएं तथा वहां साफ सफाई कर पूजा अर्चना करें, दीपक जलाएं। इससे आप पर आई बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाएगी। तीसरा, महाशिवरात्रि की रात को शिवलिंग पर ओम जूम सह मंत्र का जाप करते हुए दूध मिश्रित जल चढ़ाएं तथा बेल पत्र अर्पण करें। इससे स्वयं की तथा परिवार की स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाएंगी। महाशिवरात्रि पर एक छोटा सा पारस शिवलिंग घर में लाकर उसकी विधिवत स्थापना करें तथा प्रतिदिन धूप बत्ती पुष्प आदि चढ़ाकर पूजा करें। इस उपाय से घर में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। पांचवा, यदि वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो तो किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान तथा लाल साड़ी, चूड़ियां, कुमकुम आदि उपहार में दे, गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाएगा। छठा, शिवरात्रि पर जरूरतमंद को कुछ ना कुछ अवश्य दान दे। यदि किसी अनाथ आश्रम में भोजन दान दे सके तो दुर्भाग्य भी आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। सातवां उपाय, महाशिवरात्रि पर किसी भी शिव मंदिर में जाकर श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इससे कुंडली में खराब चल रहे ग्रह भी अनुकूल बन जाते हैं तथा आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। आठवां उपाय, शिव पुराण के अनुसार इस दिन बेलपत्र के वृक्ष की पूजा अर्चना कर शिवलिंग के निकट जल चढ़ाना चाहिए। इससे मनोवांछित इच्छा आपकी पूरी होगी। नौवां उपाय, महाशिवरात्रि पर परिवार सहित भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी तथा कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए तथा प्रसाद का भोग लगाकर उसे ग्रहण करना चाहिए। पूजा के बाद किसी गरीब को कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। इससे आपके अटके हुए सभी कार्य होने लगेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।